सरहदी शहर चमन में भी वज़ीरे आज़म पाकिस्तान इमरान खान एमरजेंसी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में इमदादी रकम की तकसीम अभी तक नहीं हुई है, जिससे इलाके के गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अहले इलाका ने डीसी चमन से अपील की है कि हमें पैसा दिलाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं चमन से जियो एक्सप्रेस न्यूज के एंकर पर्सन हबीबुल्ला बशर दोस्त से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। मौजूद हूँ सरहदी शहर चमन जिला खिला अब्दुल्ला से। इस वक्त हसास प्रोग्राम के बारे में अब तो सुना होगा सब, यहाँ लोगों को मैसेज मौसूल हुए लेकिन इसके बावजूद इसको पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ शेरों से पश्तों में बात की, उनका कहना था कि हमें जो ना मारा पिटा रहा है लेकिन हमें पैसा नहीं दे रहा है। इस वक्त एक शेरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं हसास प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। आप ये बताएं हसास प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तो सैकड़ों तादाद में लोग जमा है, खवातीन भी है, ये तो हमारे शहर के बुजुर्ग है, खवातीन है, माँ बहने सब हमारी जैसी यहाँ पे बैठी हुई, इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से जलील किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? इस हवाले से हम ये कहे ज्यादा क्या रोजी आते हैं, ड्रामे करते हैं कि हमारे शाह किस नाश्ते काट गलत है वापस करते हैं, और उठे जवाब देते हैं कि तीन दिन से वापस जाओ जाओ आपका काम नहीं होगा। हर रोज इतना गर्मी में, शदीद गर्मी में खवातीन भी मौजूद है, आदमी लोग भी मौजूद है, काफी अरसे से ये ड्रामे बना रहे हैं काफी मुश्किल में, और आते जाते हो वापस देते हैं। तो आप क्या मुतालबा करते हो डीसी साहब से इस हवाले से? मैं डीसी साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि अब्दुल्ला खान में सिस्टम बिल्कुल बराबर है, सियास प्रोग्राम की जो 12,000 रुपए इतना मुश्किल नहीं है। मैं डीसी बशीर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इसको आसान कर दे, मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी है, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है और आदमी सारे यहाँ पर मौजूद, शदीद गर्मी का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, शेरी का ये कहना है कि हम डीसी साहब से परजोर मुतालबा करते हैं कि इस जगह पे फौरी तौर एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए वो कह रहे हैं कि आपका पैसा आया लेकिन आपको तीन बाद मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसी लोग भी कह रहे हैं जो 12-13 दिन से हम यहाँ चक्कर लगा रहे लेकिन हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। पिछले तीन महीने भी मैंने इस हवाले से जो है ना कवरेज किया था लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब हमारी माँ बहने हैं, सब बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं जिनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आपकी मेजबान आपके खिला अब्दुल्ला में यहाँ पे इसके एहसास प्रोग्राम के हवाले से पैसों लोगों को जो मैसेज मौसूल हुए थे आज वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमें सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे खवातीन जो है ना बुढ़िया बूढ़े और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करके इनसे बात करते हैं उर्दू में, अगर उर्दू ना हो तो पश्तो में भी बात करते हैं। आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम देखिए, क्या मुतालिबा है आप अपने मुतालिबा हमें बताएं। देता है बोले नंबर आया तुम्हारे, पैसा नहीं देता है बोले कल आओ परसों आओ, जब आओ इधर ऐसा रश है, धूप है, गर्मी है, हम लोग तंग हो गया, अभी सरकार मेहरबानी करे जगह और बनावे तो दो तीन जगह हो जाए फिर ये लोग। अच्छा, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सरहदी शेर चमन जिला खिला अब्दुल्ला में। इस वक्त हसास प्रोग्राम में जो ऑफिस है जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है इस वक्त यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे बार मैंने लोगों से बातें की, वो कह रहा था कि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, ऊपर से हमारे ऊपर बर्बरियत भी कर रहा है, यहाँ पे खवातीन माँ बहने सब बैठे हुए हैं। नजीर अहमद साहब जो पीटीआई का रहनुमा है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चमन शेर के लिए, इसने बहुत खिदमत किया है, हम इसकी खिदमत सराहते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या मसला है, ये पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। नजीर साहब इस हवाले से अगर आप हमें अपडेट कीजिए, ये पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या मसला है, इसमें कौन सी ऐसी मसला है जो पैसों को लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है? नहीं, पैसे तो सबको मिलेंगे इंशाल्लाह, पैसे किसी के भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये थंब जो वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक सिस्टम है इसका, कोई किसी का पैसा नहीं ले सकता जब तक उसने खुद अपना जो है फिंगर नहीं लगाया हो। दूसरी बात ये कि 7 तारीख को तकरीबन 600-700 के करीब चमन के शेरियों के मैसेजेस आए, उसको ये कहा गया कि आप 8 तारीख से अपने पैसे ले लें। तो 8 तारीख से फिर हमने पहली हमारी कोशिश ये थी कि खवातीन जो है हमारी वो उसमें अक्सर ज़ईफ़ खवातीन की होती है, हमने कहा कि ये 2 दिन जो है हम खवातीन के लिए रखते, उसमें हमने खवातीन को फारिग किया। आज का दिन हमने मर्दों के लिए रखा था, तो आज के दिन जो पूरे चमन के जितना भी बोझ है, जितने भी शेरी है, जितने भी मैसेजेस उनको आए, वो सारे एक साथ आ गए। नजीर साहब सॉरी, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लोगों के पास फुटकाफियाँ, वो कह रहा था कि हमें बता दिया कि फुटकाफी लेकर आपको पैसा मिल जाएगा, जुमरात का बोला है, आज जुमरात का दिन है लेकिन हमें पैसा फिर भी नहीं दिया जा रहा है, बार लोगों का ये कहना था। नहीं नहीं, पैसे सबको मिलेंगे, अगर उसकी उसने तंब लगाया हो, उसकी फुटकापी ली गई हो, उसको पैसे उसी टाइम मिल जाएंगे। वो अगर कोई एक दो ऐसे बंदे हैं तो उसको ले आए, उसको हम चेक करते हैं। नहीं, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है आप लोगों ने कितने लोगों को यहाँ पे पैसे दिया हुआ है? तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ 10,000 के करीब लोगों को पैसे मिले, उसमें तकरीबन 5,000 के आस पास चमन के शेरी मौजूद है। और ये यहाँ पे मसला मेन मसला ये, पहले ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी था, तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने इनकार किया कि हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मजीद नहीं दे सकते, वहाँ पे गुंजाइश की फैसिलिटी भी बहुत थी, लोगों की पार्किंग का भी सहूलत था, सब कुछ था, मगर यहाँ पे शेर की आबादी में जो बिस्प का दफ्तर है ये
जहां मौजूद है, ये बहुत एक छोटा सा ऑफिस है, इसमें दो तीन कमरे हैं और ये शहरी आबादी तंग गलियों में, इस वजह से यहां पे लोगों की भी गुंजाइश नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो इससे भगदड़ होती है और लोग भी ये नहीं समझते कि पहले जो है किसी ज़ईफ या किसी ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को मौका देना चाहिए ताकि वो फारिग हो जाए। नज़ीर साहब, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन लोगों के साथ दें, ये हमारी माँ बहने हैं, ये बुजुर्ग है, यहाँ पे आए हैं, आप मेहरबानी करके इसकी कोई लेन कतार बना दे, इसको जितना हो सके पैसा आए हुए इनको पैसा दे दे, ये बेचारे यहाँ पे बहुत मजबूर है, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये जिम्मेदारी तो असल में है HBL वालों की, कनेक्ट जो है और एक BISP वालों की। मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से बहसियत वॉलंटियर यहाँ मैं आता हूँ, मैं सारे इन लोगों को इसी के लिए कि पुलिस और इनके दरमियान कोई तल्ख कलामी ना आ जाए, मैं सारा दिन इसी काम में लगा रहता हूँ कि इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि इनके लेनों में कड़े करने की कोशिश करता हूँ। जिसका मसला हो नादरा वेरिफिकेशन, किसी का अकाउंट में अब तक पैसे मुंतकिल नहीं हुए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपका ये मसला है, उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो काम करता हूँ। सारे ये सारे मेरे शहरी है, मेरे चमन के सारे भाई है, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे चमन में हमने कंपेन चलाया, बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे, वो अभी जो है सारे बेनिफिट उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। मेहरबानी नज़ीर साहब का ये कहना है कि सबको पैसा दिया जा रहा है, इंशाल्लाह ये मसला हम हल करेंगे, आगे से इंशाल्लाह किसी को तकलीफ नहीं होगी, इसने हमें जो है ना डिटेल से समझाया। इंशाल्लाह आपकी मेजबान आपके साथ दूसरी वीडियो में हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।